इलेक्शन कमीशन से और कोर्ट में आके कहा कि हमारे पास सेक्शन 9 की ज्यूरिसडिक्शन है और ये फॉर्म 45 हम सारे कैंडिडेट्स के देखेंगे और देखकर ये फैसला करेंगे कि क्या फॉर्म 47 जो है वो ठीक इशू हुआ है या नहीं हुआ। इस बेसिस के ऊपर जस्टिस अकील अब्बासी साहब जिस बेंच को लीड कर रहे थे और अब जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो साहब उसके मेंबर थे, उन्होंने ये तमाम मैटर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किए और तीन डायरेक्शंस दी। पहली डायरेक्शन ये थी कि फॉर्म 45 और 47 को ख़ुद देखकर उसके अंदर जो कंट्रोवर्सी है उसको रिजॉल्व करें। दूसरी ये थी कि ये एक्सरसाइज 22 फरवरी से पहले पहले कंप्लीट करें और तीसरी ये थी कि स्पीकिंग ऑर्डर के ज़रिए करें। ये तीनों जो काम सिंध हाई कोर्ट ने दिए थे उसकी वायोलेशन इलेक्शन कमीशन ने कर दी। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि हमारे पास सेक्शन 9 की ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ पे मुकर गए, वहाँ पे कहा हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। नंबर टू, 21 तारीख लिखी ऑर्डर के ऊपर लेकिन फैसला 23 तारीख को दिया, दूसरी कंटेम्प्ट कर दी। तीसरी कंटेम्प्ट स्पीकिंग ऑर्डर के बजाय शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर। और चौथी, हमारे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को रिकनसाइल नहीं किया गया, लिहाजा चूंकि ये चार जो है कंटेम्प्ट हैं वो कमिट हुई हैं, वो कॉपी अभी हम कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की आप सबसे शेयर कर देते हैं। उसके अंदर सिकंदर सुल्तान राजा, निसार दुरानी जो मेंबर सिंध हैं इलेक्शन कमीशन के, बरवाना साहब जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं और बाकी दोनों सूबों के इकरामुल्ला खान साहब और जतोई साहब इलेक्शन कमिश्नर, और फिर एक शरीफुल्ला साहब हैं जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं यहाँ पे सिंध में, सबको हमने कंटेमनर्स बनाया है। और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है हाईकोर्ट ऑफ सिंध के ऊपर कि वो इसके ऊपर फिलहाल फॉर एक्शन लेंगे और ये जिन लोगों ने अदालती अहकाम की कंटेम्प्ट की है एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ कुव्वतों के प्रेशर में आके, उसका जो है प्रॉपर जो है रेट्रीब्यूशन जो है वो मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जब कंटेम्प्ट साथ साथ चल रही है उसके अलावा हम जो है अपने फॉर्म 45 हमारे तमाम हमारे साथ हैं और हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो NA 238 से रिटर्न कैंडिडेट हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कराची के 20 हलकों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट्स हैं, मगर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जालसाजी की है। और इस मौके पर मैं एक आखिरी बात करता चलूं, फिर हलीम साहब जो हैं वो बात करेंगे कि ये जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सारी जालसाजी की है, आप ये ना समझिएगा कि कंटेम्प्ट में आपका नाम नहीं है तो आप बच गए हैं, आपके पीछे जो है हम पूरी एक बजूका लेके आ रहे हैं, आपको बजूका से उड़ाएंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।